बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। और आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की आलू गोभी। और उसके लिए सबसे पहले मैंने देचकी रखी है और साथ ही डाल देंगे तकरीबन 1 कप भर के ऑयल और 1/4 चम्मच नमक। सबसे पहले गोभी को सौते कर लेंगे, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आ जाता है। गोभी का बिल्कुल एक नया अंदाज से हम गोभी बनाएंगे और इसको आप बनाएंगे घर पर इसी रेसिपी को फॉलो करके, आप देखेंगे इसका इतना मज़े का टेस्ट आएगा। ये सोते हो चुकी थी तकरीबन 5 से 6 मिनट, मैंने इसको सोते किया अच्छे से और उसमें निकाल ली हूँ। और निकालने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर ऑयल लिया, उसके अंदर डाल दिए मैंने 3 अदर टमाटर। अच्छे से इनकी ग्रेवी रेडी करेंगे और ये तकरीबन 4 मिनट हो चुके थे, काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। मज़ीद इसको हम लोग पकाएँगे और इसके अंदर डाल दिए मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से फ्राइंग करेंगे अच्छे से, बिल्कुल ग्रेवी जैसा बना लेंगे। और उसके अंदर डाल दिया मैंने 2 चम्मच भर के प्याज का पेस्ट और फिर से थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए इसके अंदर हम डाल दिए इसमें आलू और अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसमें कोई मैंने मसाले वगैरह नहीं डाले। अब सबसे पहले मैं सुरख मिर्च डालने लगी हूँ 1 चम्मच, ज़ीरा 1/4 चम्मच और ज़ीरे के बाद इसमें डालेंगे मैंने दालचीनी और ये धनिया पाउडर और ये नमक। नमक हसब जायके डालिएगा। सबको अच्छे से फ्राइंग करेंगे, इसका मतलब इसका ये फायदा होगा जो आलू वाइट रह जाते हैं ना वो बिल्कुल वाइट नहीं होंगे, थोड़े थोड़े ना येलो कलर के हो जाएंगे। अगर आप ग्रेवी में आलू को फ्राई करेंगे ना पहले तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आलू हमारे ना ज़रा रेड रेड हो जाते हैं। और इसमें हम सोचते हैं कि गोभी डालेंगे, गोभी को करेंगे मिक्स अच्छे से और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे तकरीबन 1/2 कप और स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, क्योंकि दोनों को अच्छे से हम लोगों ने पहले ही भून लिया हुआ है। थोड़ा सा पानी डाला और 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको, दोबारा से मैं चेक करूँगी। और बिल्कुल ये इसको हम लोगों ने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद ये तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे, चूल्हा मैंने बंद कर दिया और ज़बरदस्त किस्म की हमारी खुशबू आ रही है आलू गोभी की। और अब हम सर्विंग बोर्ड में निकाल लेते हैं ये ले जनाब। और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी आलू गोभी हो चुकी है रेडी, थोड़ा सा गार्निश कर देंगे धनिया के साथ और ज़बरदस्त इतनी मज़े की इतनी खूबसूरत लग रही है कि वैसे भूख लगना शुरू हो गई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।